फाइनली गाइस डॉन 3 इज बैक। जी हाँ गाइस, फाइनली डॉन 3 मूवी की बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स फाइनली मुझे मिल चुकी है। हालांकि मुझे दो तीन दिन से मिल रही थी, बट मैंने सोचा कि एक साथ, क्योंकि क्या है, परसों मिली, कल मिली और आज भी मिली, है ना, तो मेरे को कल ही समझ आ गया था कि अभी अपडेट्स आएंगी, तो मैं सोचा दो तीन दिन वेट करते, देन टोटल सारी अपडेट्स को मिला के एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, तो फाइनली आज मैं आपके सामने डॉन 3 मूवी से रिलेटेड सभी रियल अपडेट ला चुका हूँ, जो कि सही है। क्या है, कुछ लोग यूट्यूब में व्यूज पाने के लिए फालतू में फेंकी कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे 100% रियल जेन्युइन अपडेट्स बताने वाला मूवी की। तो बस मूवी के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्या है वो अपडेट जाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना टाइम का वीडियो करते हैं, so, बात करते हैं क्या है ये डॉन 3 की अपडेट्स। तो देखो, कुछ दिन पहले मुझे अपडेट पता चल रही थी कि जो मूवी है डॉन 3, शाहरुख खान स्टारर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस मूवी में शाहरुख खान होने वाले थे, ठीक है। तो डॉन 2 के बाद हमें याद होगा कि आपको अगर पता होगा तो डॉन 1 में हमें एक तरह से दिखे थे अमिताभ बच्चन, जो कि मूवी सुपर हिट थी। डॉन 2 भी ब्लॉकबस्टर रही उसके जैसे, ठीक है, मैं तो बोलूँगा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर समझ लो दोनों मूवी को, क्योंकि बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी। देन बारी पिछले एक दो सालों में डॉन 3 का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोग बोल रहे कि क्या कुछ रहेगी यार, क्या कुछ स्क्रिप्ट है, क्या कुछ स्टोरी, क्योंकि बहुत ही सालों से यहाँ पे मूवी की स्क्रिप्टिंग यानी पे जो मूवी की स्टोरी है उस पर तैयारी चल रही। फाइनली यहाँ पे मुझे पता चला परसों कि मूवी की स्क्रिप्ट पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, यानी मूवी की स्टोरी पूरी रेडी हो चुकी है, और फरहान अख्तर ने वो स्क्रिप्ट भेजा था शाहरुख खान को। एंड देन हमें पता चला है कि वो जो स्क्रिप्ट यानी जो स्टोरी वहाँ पे लिखी गई थी उसके हिसाब से उसमें ये चीज़ पता चली है कि डॉन 3 में फरहान अख्तर शाहरुख खान को नहीं रखना चाहते। जी हाँ, ये चीज़ पता चल रही है कि डॉन 3 में शाहरुख खान नहीं रहने वाले। अब हो सकता है, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली, और बहुत सारे रिव्यूज़ भी बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, यार पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि डॉन 3 में हो सकता है फरहान अख्तर रखना चाहे शाहरुख को, बट इधर पे पलटी हो गई हो बात। कैसे पलटी हो गई बात, ऐसे कि जो स्क्रिप्ट भेजी हो सकता है वहाँ पे शाहरुख खान को बिल्कुल पसंद ना आई हो, और शाहरुख खान जैसे कि आप जानते हैं पठान के बाद जवान, जवान के बाद डंकी, यानी कि लगातार ब्लॉकबस्टर देने वाले, जवान भी 2,000-3,000 करोड़ की कमाई करने में हो सकता है जा सकती है, 2,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा सकती है, डंकी भी अच्छी रहेगी क्योंकि राजकुमार हिरानी की फिल्म है। तो यहाँ पे हो सकता है शाहरुख खान इस कोशिश में हो कि बैक टू बैक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी देना, और इसलिए डॉन 3 की स्टोरी उनको कमज़ोर लगी होगी उनके अनुसार, ठीक है। सो हो सकता है कि इसी कारण यहाँ पे शाहरुख खान ने इस मूवी के लिए मना कर दिया हो, बट हमें इतना पता चल चुका कि यार डॉन 3 मूवी में शाहरुख खान नहीं दिखेंगे, उनके बदले कोई आज के समय का यानी कि आज की जनरेशन का, जैसे कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, ऐसे एक्टर्स दिखने वाले हमें, ठीक है, मतलब इन्हीं में से कोई आज की जनरेशन के, यानी कि हमें इसमें सलमान, शाहरुख, आमिर, अमिताभ बच्चन इस टाइप के एक्टर्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ठीक है यार, आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीजन ठीक है, बट यार याद रहेगा असली डॉन बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ही थे जिन्होंने असली डॉन का किरदार निभाया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कौन हो सकता है अगली डॉन, तो देखो मेरे को पर्सनली लगता है कि कार्तिक आर्यन को आप कास्ट कीजिए, बहुत अच्छे एक्टर है, उनको और अच्छे से प्रैक्टिस कराए, एक्टिंग कराई, एंड वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। रणबीर कपूर भी यहाँ पे बहुत अच्छे जज सकते हैं, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि एनिमल मूवी में उनका रूप ही थोड़ा उस टाइप का होने वाला है, ठीक है, बैडस टाइप का। एंड शमशेरा में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक उनका रोल दिखा था हमें, और संजू मूवी में उन्होंने प्रूव भी किया था कि क्या चीज़ है वो, ठीक है। तो दो तीन नाम मेरे पास ऐसे ही, बट यहाँ पे जो डायरेक्टर्स की सोच है वो है रणवीर सिंह। जी हाँ, डायरेक्टर यहाँ पे रणवीर सिंह को साइन करना चाहते हैं, यहाँ पे साइन किया गया उन्हें, फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को अपनी न्यू मूवी यानी कि डॉन 3 के लिए साइन कर लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या वो इस मूवी में रहेंगे या नहीं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको, किस एक्ट्रेस को, मतलब किस एक्टर को साइन करना चाहिए डॉन 3 में। मुझे तो लगता है यार कि एक तरह से देखा जाए कार्तिक आर्यन एंड रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना भी ठीक ठाक रोल में जचेंगे, बट आप बताइए क्या लगता है कौन डॉन 3 में जचेगा। बट मेरे लिए तो हमेशा अमिताभ बच्चन जी एंड शाहरुख खान जी ही ऊपर रहेंगे डॉन के रोल में। तो आप अपनी राय बताइएगा, कैसा क्या लगता है आपको बताइए। तो यार यही कुछ अपडेट्स आई है, डॉन 3 मूवी जो है 2024 में रिलीज़ होने वाली है, ये भी अभी खबर आ रही है, इट्स नॉट रियल बट मुझे पता चला है, मतलब ये खबर ऐसी कि अपडेट है, ठीक है, ऑफिशियली नहीं आई है, बट जो सूत्रों के मुताबिक होता है ना ये वो है। एंड डॉन 3 हमें पता चल रहा है कि पिछले साल अगले साल रिलीज़ होने वाली 2024 के एंड तक। सो देखते हैं क्या कुछ होगा, क्योंकि शाहरुख खान का सही में यहाँ पे पूरा जो भी समय है, क्योंकि मूवी पठान वर्सेस टाइगर है यहाँ पे, टाइगर वर्सेस पठान, ठीक है, एंड अभी बहुत सारी चीज़ें उनके पास, ठीक है, तो बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी बाकी उनकी। सो बट आप तो भूल जाए कि शाहरुख खान इसमें दिखेंगे, कुछ कैमियो हो गया, कुछ हो गया तो अलग बात है, बट मूवी में शाहरुख खान नहीं होंगे। तो आप बताइए क्या लगता है आपको, कौन यहाँ पे शूट करेगा, कौन सा एक्टर, और वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, अगले वीडियो कौन सी चैनल में मिलते हैं, मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।